ये व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल स्टूडियो। मैं आपको सिखा रही हूँ कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में। हमारे पास ये है 1/2 फ्रैक्शन, ठीक है। और ये कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। ऐसे ही 1 छोटा है 2 से, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है और हम इसको क्या करेंगे? डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे। आपको पता है जब भी हम फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज हम करना होता है तो हम क्या करते हैं? जो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला उसको अंदर रखते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला उसको बाहर रखते हैं। तो जो ऊपर वाला है मतलब न्यूमरेटर, वो डिवाइडेंड बन जाता है। जो डिनोमिनेटर मतलब 2 है वो डिवाइज़र बन जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 2 बड़ा उसको अंदर रख लें, 1 छोटा उसको बाहर रख लें, ठीक है। हमने हमेशा फ्रैक्शन को इस तरह लिखते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो अंदर आ जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। अब हम 2 1s भी करते हैं तो 2 इसके नीचे नहीं लगा सकते क्योंकि 1 छोटा है 2 बड़ा है, 2 इसके नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। जैसे हम यहाँ पे 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाएगा और 2 के टेबल में 10 आता है, यह 7 है, 5s 10। और ये तो पूरा हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन में मेरे पास यह था कि 1 था, ऐसा ही है 1 था। तो मैंने क्या किया, एक 0 जब लिया तो 0 पॉइंट आ गया, 4 2s 8 आ गया, फिर माइनस किया तो 2 आ रहा था, फिर एक 0 लिया वो नीचे उतारा और फिर आगे सॉल्व किया। लेकिन ये हमारे पास पूरा यहाँ पे सॉल्व हो गया, ये आगे नहीं होना, तो इसलिए यहाँ तक ये आ गया आंसर। और हम आंसर हमारे पास क्या आया जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में 0.5 है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 0.5 कि हमने 1/2 को डिवाइड किया, फ्रैक्शन को डिवाइड किया, डेसिमल नंबर में चेंज कर दिया और हमारे पास ये आंसर आ गया। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें फ्रैक्शन गिवन हो, आपने डेसिमल नंबर में चेंज करना हो, तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है।